अपन देखें दुनिया में हर समुदाय में हर मजहब में संत होते हैं, वहीं अपन देखें जैन समुदाय में भी संत होते हैं जिन्हें हम जैन संत कहते हैं। और जैन संत की दो पहचान हैं, एक तो वह नग्न होते हैं, दूसरे अपन देखें कि जैन संत के हाथ में एक पिच्छी होती है, ये पिच्छी जो कि मयूर पंख से, उनके जो मयूर होते हैं उनके पंखों से बनी हुई ये पिच्छी होती है, इस पिच्छी को वो अपने हाथ में लेके चलते हैं। और इसीलिए अपन देखें कि अन्य मजहब के लोगों को जिन्होंने जैन मुनि को रास्ते में चलते हुए देखा है, और जब देखा है तो उन्होंने देखा कि जैन साधु के हाथ में ये क्या है, कुछ लोग इसे झाड़ू समझते हैं, कोई कहते हैं मुनि जैन मुनि के हाथ में झाड़ू है, जैन मुनि के हाथ में ब्रश है ना, इस प्रकार से जिसकी जैसी जो चीज़ समझ में आती है वो अपने विवेक से, कोई इसको पिच्छी का बोलता है कि ये पिच्छी है साधु के हाथ में, कोई इसको झाड़ू बोलता है, कोई इसको ब्रश बोलता है, पर ये देखें ना ये झाड़ू है ना ब्रश है, इसका है पिच्छी का, पिच्छी का इसका नाम है। ये पिच्छी का एक तो साधु का लक्षण है, साधु की पहचान है इससे कि ये पिच्छी साधु के साथ रहने से, अगर साधु बिना पिच्छी के निकल जाए तो लोग सोचें पागल आ रहा है, मगर जैन साधु की पहचान इस पिच्छी से है, जब उनके हाथ में पिच्छी लोग देखते हैं तो हिंदू क्या मुस्लिम व्यक्ति यदि देख ले तो इस पिच्छी और नग्न साधु को देखकर समझ जाते हैं, अरे ये तो यार वो जैनों के संत हैं, ये जैनों के बाबा हैं, जो क्योंकि इनके हाथ में पिच्छी है ना झाड़ू है तो समझ जाते हैं, तो ये पहचान भी है। और इस पिच्छी के क्या उपयोग हैं तो अपन ये देखें, और ये जो मयूर यानी मोर, मोर के पंख की है, अब पंख तो सभी पक्षियों के होते हैं तो मोर के पंख से ही क्यों बनाई गई, क्योंकि इस पर भी अहिंसा का ध्यान रखा गया, क्योंकि जो मोर होता है वो सावन के महीने में वह जब बादल गड़गड़ाते हैं बारिश होती है तो मोर अपने पंखों को पसार करके और नाचता है, और जब नाचने से और पंखों को फैलाने से कोई कोई पंख हल्का सा टेढ़ा हो जाता है, हल्का सा मुड़ जाता है, तो मोर को अपने शरीर पर वो पंख बेकार लगता है, तो वो मोर क्या करता है उस पंख को अपनी चोंच से खींच करके छोड़ देता है। और ऐसे एक सीजन में इतने सारे मोर पंखों को छोड़ देते हैं और उन पंखों को लोग इकट्ठा कर लेते हैं, और साल में एक बार जब इस पिच्छी का को बदला जाता है, चेंज किया जाता है, तो ये पिच्छी को पंख, वो पंख सावन के महीने में उनसे खरीद लिए जाते हैं और उनसे ये पिच्छी बना ली जाती है जिसे पिच्छी का बोलते हैं, क्योंकि मोर पंख के पंख इसलिए लिए गए, ये तो किसी के मन में ये प्रश्न आ सकता है, और पंख चिड़िया के पंख ले लेते और किसी पंख ले लेते, पर जितनी कोमलता जितनी ऋजुता इन मोर के पंखों में होती है इतनी अन्य पक्षियों के पंखों में इतनी ऋजुता सहजता नहीं होती है। ये अपन देखेंगे ये वाला हिस्सा पंखों का ये बिल्कुल कोमल होता है और इतना सॉफ्ट होता है, इतना सॉफ्ट होता है कि इस पंख को हमारे शरीर में जो आँख है सबसे कोमल सबसे सेंसिटिव क्षेत्र है आँख, जिसमें धूली का हल्का सा कण भी अगर आँख में चला जाता है तो आँख किरकिराती है, आंसू निकल आते हैं, बंद हो जाती है, मगर ये पिच्छी इतनी कोमल होती है कि इस पिच्छी को अपन अपनी आँख में भी लगा दें, आँख में लगाने से आँख में जाने से है ना ये चुभती नहीं है, आंसू नहीं आते हैं, लगती नहीं है, इतनी कोमल होती है, इसीलिए इसकी ये विशेषता होने से दिगंबर संत पिच्छी का को अपने हाथ में रखते हैं ना। और पिच्छी का से और क्या करते हैं, एक तो पहले तो है इसकी पहचान दिगंबर संत की, दूसरा ये है दिगंबर संत देखिए हमारे बोलने से खाने से पीने से चलने से
हर जगह जीवों की हिंसा तो होती ही है, पर फिर भी दिगंबर संत कोशिश करते हैं कि जितनी हो सकता है, जितना संभव हो, हम जीवों की हिंसा को रोक सकते हैं, है ना, हिंसा से बच सकते हैं। इसलिए वो बेवजह घूमते नहीं है, बेवजह चलते नहीं है। जब बहुत अर्जेंट काम हो तभी वो बाहर निकलते हैं, और जहां उठना है बैठना है तो वहां पर इस पिच्छी से मार्जन करते हैं और फिर जाकर उस पर बैठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका सोच है कि जिस जगह पर बैठ रहे हैं वहां पर चिंटा, चीटी, उससे भी छोटे छोटे जीव जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, है ना, ये उनको मार्जन करके, और वहां से मार्जन का मतलब है साफ करना, झाड़ना, और झाड़ करके उस स्थान को, और फिर उस स्थान पर बैठ जाते हैं, है ना। कोई वस्तु लेते हैं, देते हैं, तो पहले से झाड़ लेते हैं और फिर वस्तु लेते हैं फिर देते हैं। ये पिच्छी का उपयोग है, इससे अभयदान होता है, जीवों की रक्षा होती है। हर जगह रक्षा, देखिए कुछ स्थान शक होते हैं, कुछ स्थान अशक होते हैं। जहां शक है, जहां हम कर सकते हैं, वहां हम इसका उपयोग करके जीवों की हिंसा से बच जाते हैं, पर जहां अशक अनुष्ठान है वहां पर इसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। अगर आप कहो पैदल पैदल चल रहे हो रास्ते में, अब रास्ते में चलेंगे तो 10 किलोमीटर चलना है, 5 किलोमीटर चलना है, तो कितना झाड़ते जाएंगे, है ना। तो इसलिए वहां पर झाड़ना हो नहीं पाता है, वो हमारा प्रमाद है। इसलिए मुनि जब चलकर जाते हैं तो उसका प्रायश्चित लेते हैं, है ना। जो घी, तेल, नमक, दूध, मीठा, दही, इनमें से कोई वस्तु छोड़ते हैं कि हे भगवान, मैं आज वहां से यहां तक चल करके आया हूं, और चल करके आया हूं तो मैं पिच्छी से मार्जन नहीं कर पाया चलते समय, इसलिए मैं दूध का त्याग करता हूं, घी का त्याग करता हूं, नमक का त्याग करता हूं, ये वो प्रायश्चित लेते हैं। और वहीं दूसरी ओर जहां शक है, जहां कर सकते हैं, अब जहां बैठना है वहां तो कर ही सकते हैं, वहां तो कोई दिक्कत नहीं है, है ना, तो वहां कर लेते हैं। तो इसलिए ये कोशिश करते हैं, कोशिश करने में कहां मना है, कोशिश करने में कौन सी परेशानी है, जितना हो सके जीव राशि बच जाए, तो ये उनका भाव होता है। इसलिए ये पिच्छी मार्जन के लिए होती है, इस बात का ध्यान रखें। झाड़ू नहीं है, ब्रश नहीं है, ये पिच्छी का है, और मोर इसे स्वयं छोड़ती है, है ना, और उसे उसके अंदर कोमलता होती है, जिससे छोटे छोटे जीव के ऊपर यदि ये पिच्छी रख दी जाए तो उस जीव की हानि नहीं होती, उसका मरण नहीं होता, उसका नुकसान नहीं होता है। इसलिए ये पिच्छी मुनिराज अपने हाथों में रखते हैं। आपको हो सकता है समझ में आया हो, है ना, है ना, आपको कैसा लगा आप अपने कमेंट्स में अपनी बात बता सकते हैं, अपनी बात बोल सकते हैं, जिससे मैं और आगे आपके लिए लाइक कर सकते हैं, जिससे हम आपको और आगे और सूचना और जानकारी आपको हम दे सकते हैं।